झारखंड के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि खेल के जगत में राज्य की एक अलग पहचान बना रहे हैं। और इन्हीं खिलाड़ियों को देखकर लातेहार की भी बेटियां अपने आंखों में सपने लिए फुटबॉल खेलने के लिए अपने घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर बालूमाथ आती हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी इन बच्चियों को इनका मुकाम नहीं मिल पा रहा है। खेल के लिए मूलभूत सुविधा नहीं मिलने के कारण इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये अपनी मंजिल से दूर रह रही हैं। देखने वाली बात ये होती है कि सरकार की नज़र राज्य की होनहार बेटियों की तरफ कब जाती है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है खेलने के लिए। सर किसी तरह इधर उधर से बॉल ला देते हैं और किसी तरफ से जुगाड़ कर देते हैं जूता उतार, लेकिन कहीं से कोई मतलब सरकारी तरफ से भी नहीं मिलता है हम लोग को। लेकिन किसी तरह सर जुगाड़ करके और हम लोग को देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कोई सरकारी मतलब मिले कुछ हम लोग को, तो आगे हम लोग खेल सके अच्छा से और स्टेज तक खेल सके, ताकि हम लोग को नाम रोशन कर सके। हम चैलेंज अगर सर देंगे, अगर खेलने के लिए अगर सरकार देगा इतना अच्छा से खेलने के लिए, तो हम लोग खेलेंगे अच्छा से। और हम लोग को दे ही नहीं रहे हैं कुछ भी, तो हम लोग कैसे खेलेंगे। अच्छा सुविधा मिले तो हम अच्छा खेल सके, अपना गांव का रोशन कर सके, अपना प्रखंड जिला आगे बढ़ सके, इसलिए स्टेट स्टेट खेल सके। अच्छा शिक्षा मिलता अगर सर हम लोग को फ्री में ऐसे सिखाते हैं, अगर सर को सुविधा मिल जाए तो हम लोग के ऊपर अच्छा ध्यान देंगे, तो हम लोग और अच्छा से बढ़ सकेंगे आगे। हम बच्चों को निःशुल्क सुबह शाम, सुबह में बच्चियाँ और शाम में बच्चे लोग को देते हैं प्रशिक्षण। मेरा एक ही मकसद है कि मेरा क्षेत्र खेल के दुनिया में आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, मेरा प्रखंड का नाम रोशन करे, मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, स्टेट का नाम रोशन करे। जैसे आज एक सुदूरवर्ती इलाके से हमारे ही बगल डिस्ट्रिक्ट के गुमला डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां अष्टम उराव आज हमारा देश का प्रतिनिधित्व की, उसी प्रकार से हमने सोचा है कि हमारे बीच से भी जो भी बच्चियाँ हैं एक अच्छा खिलाड़ी बन कर के उभरें और अपना नाम के साथ साथ हमारा गाँव, हमारा क्षेत्र का नाम रोशन करे। मैं इन्हीं लक्ष्य के साथ निःशुल्क प्रशिक्षण देने का